सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपके बीए पार्ट थर्ड में, हिंदी साहित्य के बीए पार्ट थर्ड में आधुनिक काव्य जो बुक है, उसमें से आज हम पढ़ेंगे दूसरा पाठ, मैथिली शरणगुप्त। मैथिली शरणगुप्त का जीवन परिचय पढ़ेंगे और उनकी एक प्रसिद्ध कविता है सखी वे मुझसे कहकर जाते, उस कविता की व्याख्या पढ़ेंगे। उस कविता में से यानी उसका भावार्थ और उसका काव्य सौंदर्य हम जानेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपकी सफलता को निखारने में अवश्य ही मदद करेगा। यदि चैनल पर कुछ अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हमें मैथिली शरणगुप्त का परिचय जानना चाहिए कि मैथिली शरणगुप्त है, उनका परिचय क्या है। 1886 से लेकर के 1964 तक इस भारत भूमि पर अपने साहित्य से उन्होंने इस भारत भूमि को सिंचा, अर्थात भारतीय संस्कृति को पोषित किया। राष्ट्रकवि के विशेषण से सम्मानित गुप्त जी का जन्म चिरगांव जिला झांसी में 1886 ईस्वी में हुआ था। गुप्त जी द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय और प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रकवि की उपाधि से उन्हें विभूषित किया गया था और खड़ी बोली की को कविता की सरसता के अनुरूप ढालने का काम भी सबसे अधिक यदि किसी कवि ने किया है तो वो मैथिली शरणगुप्त थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के निकटता के कारण गुप्त जी ने सरस्वती में नियमित रूप से लिखना प्रारंभ किया और किंतु हिंदी जगत का ध्यान उनकी भारत भारती नामक रचना ने सर्वप्रथम आकर्षित किया, यानी उनकी जो प्रसिद्धि का कारण है वो उनकी कविता है भारत भारती, जो काव्य है उसके माध्यम से वो जगजाहिर हो गए। भले ही काव्योत्कर्ष की दृष्टि से भारत भारती की कविताएं कमजोर है, किंतु जाति, देश तथा मातृभूमि के प्रति गौरव और गर्व की भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती की कविताओं ने उन्हें राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित किया। तो यानी राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित करने का कारण भी उनकी कविता कौन सी कविता थी, यानी भारत भारती थी। गुप्त जी के काव्य में भारतीय संस्कृति और उसके प्रति या भारतीय संस्कृति की जो प्राचीनता है उसके प्रति पूज्य भाव है, तो कहीं कहीं नए परिवर्तन के प्रति उनका उत्साह भी है। उनके काव्य में द्विवेदी युगीन आदर्शवादी नैतिकता, पवित्रता, पौराणिक आख्यानों की तर्क संगत व्याख्या और समसामयिक राष्ट्रीय हलचलों की छाया के साथ छायावादी युग की प्रवृत्तियों का प्रभाव भी दृष्टिगत होता है। ये जो लाइनें हैं, मैं आपसे गौर करने को कहूंगा कि ये जो लाइनें हैं, इन लाइनों में आप मैथिली शरणगुप्त की काव्यगत विशेषताएं देख सकते हैं, काव्यगत विशेषताएं देख सकते हैं, यानी भारतीय संस्कृति के प्रति पूज्य भाव, नए परिवर्तनों के प्रति तीव्र उत्साह, द्विवेदी युगीन आदर्शवादी नैतिकता, पौराणिक आख्यानों के प्रति तर्क संगत व्याख्या, समसामयिक राष्ट्रीय हलचलों की यानी हलचलों का जिक्र करना, छायावादी युग की प्रवृत्तियों का प्रभाव, ये सारी उनकी काव्यगत विशेषताएं हैं। यदि मान लो इसके संबंध में कोई भी प्रश्न आता है तो उस प्रश्न में आप इन व्याख्याओं के आधार पर, इन बिंदुओं के आधार पर उनकी पूरी व्याख्या आप कर सकते हैं। अगला देखिए, इनकी प्रमुख रचनाएं है, काव्य ग्रंथ देखिए, भारत भारती है, जयद्रथ वध है, पंचवटी है, झंकार है, साकेत है, यशोधरा है, द्वापर है, जय भारत है, सिद्धराज है, विष्णुप्रिया है, ये इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ है। नाटक लिखे थे उन्होंने, नाटकों में उनके तीन नाटक प्रसिद्ध है, तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनघ, ये नाटक उनके थे। इसके अलावा उन्होंने कुछ काव्यों का अनुवाद भी किया था, प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वृत्र संहार, ये उनके अनुदित काव्य हैं। और भारत भारती की कविताओं ने उन्हें अपूर्व लोकप्रियता प्रदान की, यानी सबसे ज्यादा जो लोकप्रियता प्रदान की थी वो काव्य कौन सा था, वो काव्य था भारत भारती। साकेत नामक महाकाव्य ने उन्हें कीर्ति के शिखर पर पहुंचाया। साकेत जो जब उन्होंने लिखा था, और साकेत का अर्थ तो हम अयोध्या कह सकते हैं, यानी साकेत क्यों लिखा, साकेत उन्होंने, उनका जो साकेत है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि साकेत जो है वो वह काव्य है जिसमें रामायण में जिन पात्रों को उपेक्षित कर दिया गया था, जिन पात्रों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था, यानी उनके नाम नाम बताए गए हैं, उन कवियों का वर्णन उन्होंने विस्तार से किया है। जैसे कौशल्या के का परिताप है, उर्मिला, विरह है, ये सब उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है।
यद्यपि साकेत की कथा राम कथा पर आधारित है, लेकिन उर्मिला के चरित्र को प्रथम बार उन्होंने इस काव्य में त्यागमयी नारी के रूप में चित्रित किया है। यानी जब उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी थी, लक्ष्मण जब उन्हें छोड़कर के वन में चले गए थे, श्री राम के साथ चले गए थे, तो उर्मिला ने अपना समय किस प्रकार व्यतीत किया उनके साथ में, यानी किस प्रकार जो उनका संघर्ष रहा, उसको भी उन्होंने एक कविता में लिखा है कि मुझे फूल मत मारो, मैं वाला अबला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, लोये मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर वारो। यानी कामदेव को भी उन्होंने चैलेंज किया था कि आपकी जो रति है वो भी यानी इतनी पवित्र नहीं है जितनी मैं हूं। मतलब कहने का अर्थ है कि वो इस प्रकार इन्होंने अपने काव्य में उर्मिला के चरित्र को भी व्याख्यायित किया है। यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि काव्यों में भी उन्होंने उपेक्षित नारी पात्रों के चरित्रों को गरिमा प्रदान की है। खंड काव्यों तथा महाकाव्यों की रचना के साथ गुप्त जी ने लाक्षणिक तथा उक्ति विचित्र से परिपूर्ण भावशैली भावशील गीतों की रचना की। अब जैसे देखिए, यहाँ जो है, यहाँ आप इनके काव्य का कला पक्ष देख सकते हैं। गुप्त जी के काव्य में लाक्षणिकता है, उक्ति वैचित्र्य है और भावशील गीत है। गुप्त जी भारतीय संस्कृति के उपासक थे और उनका काव्य भी भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्वों का सरस भाष्य करता है। गुप्त जी स्वतंत्रता आंदोलन के प्रखरतम कवियों में से एक हैं और वे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे हैं। उम्मीद करता हूं मेरी जो बताई हुई बातें आपको समझ में आ रही है। अब हम पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, कविता है सखी वे मुझसे कहकर जाते, और ये यशोधरा काव्य से ली गई है। थोड़ा सा इसका हम परिचय जान लेते हैं कि ये यशोधरा काव्य है वो क्या है। यानी यशोधरा काव्य से ली गई है और इसमें सिद्धार्थ जो है वो यानी यशोधरा को सोते हुए दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए चले जाते हैं। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए अर्थात संसार से वैराग्य होकर के, और वो यशोधरा को सोते हुए छोड़ करके चले जाते हैं। सोते हुए और उनके पुत्र यानी यशोधरा और उनके पुत्र जो राहुल हैं उनको छोड़ करके चले जाते हैं। तब यशोधरा जब जगती है तब उन्हें अपने पति को नहीं पा करके, और अब उन्हें मालूम भी हो गया है कि वे ज्ञान प्राप्ति हेतु गए हैं, तब वो कहती है कि काश वो मुझसे कहकर जाते। यानी कहकर जाते तो हम उनके यानी इससे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति में बाधक नहीं बनती, क्योंकि हम भारतीय नारी है। इसमें एक लाइन है, बहुत ही सुंदर लाइन है, कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हमी भेज देती है रण में, छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। अर्थात हम तो वो नारियां हैं जो खुद सुसज्जित करके और अपने पति को प्राणों की बाजी लगाने के लिए तिलक लगाकर युद्ध में भेज देती है। हम तो वो नारियां हैं, तो वे दिव्य ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहे हैं तो हम उन्हें मना नहीं करते। तो हम इसे तीन प्रोसेस से गुजरना है। इसमें से यदि कोई व्याख्या आ जाती है तो हमें सबसे पहले इसका प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या लिखनी है, उसके बाद इसमें से विशेष लिखना है, उसके बाद इसमें से क्या लिखना है, विशेष लिखना है। तो इसका हम जब प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण या प्रस्तुत पद्यांश राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त द्वारा विरचित इस यशोधरा काव्य से संकलित है, और प्रिय सिद्धार्थ, प्रीतम सिद्धार्थ जब चुपचाप यानी यशोधरा को सोते हुए छोड़ करके निकल जाते हैं, तब यशोधरा अपनी वेदना अनुभूति प्रकट करती है, और उसी वेदना को इस कविता में व्यक्त किया गया है। ये इसका प्रसंग हो गया। अब हम इसकी व्याख्या करके देखते हैं। सखी वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते, मुझको बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। यशोधरा वेदना पूर्वक कहती है कि हे सखी, मेरे स्वामी सिद्धि प्राप्त करने हेतु निकल गए हैं, ये मेरे लिए गौरव की बात है, ये मेरे लिए गौरव की बात है, परंतु वे मुझसे बिना कहे चुपचाप निकल गए, यह मेरे लिए दुख की बात है, यह मेरे लिए दुख की बात है, काश वे मुझसे पूछ कर जाते तो हम उनके मार्ग में बाधक नहीं बनते। यानी मुझके मुझे पूछ कर जाते तो हम उनके मार्ग में बाधा नहीं डालती। मेरे प्रियतम यद्यपि मुझसे बहुत अधिक सम्मान रखते हैं, मुझको बहुत उन्होंने माना, अर्थात उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया है,
फिर भी क्या पूरा पहचान, सम्मान देकर के भी उन्होंने भारतीय नारी को नहीं पहचाना है, अर्थात उन्होंने मुझे सही तरह से नहीं पहचाना, क्योंकि मैं उनकी बात को प्रधानता देती, मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, अर्थात जैसा वो चाहते थे वैसा ही मैं उनके विचारों का अनुसरण किया करती थी, उन्हीं को प्रधानता दिया करती थी। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्रियतम के मन में यदि निकलते समय ये विचार था तो उन्हें मुझे साफ साफ बता देना चाहिए था कि मैं वहां ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहा हूं, सखी वे मुझसे कहकर जाते। अब इसमें यदि हम देखें तो इसकी विशेषता यानी विशेष रूप जो है, तो विशेष रूप पहला तो आप लिख दो कि यानी यशोधरा यशोधरा की वेदना रूपी व्यक्त की गई है। दूसरा आप यदि लिखेंगे तो तत्सम शब्दावली, अर्थात तत्सम शब्दावली संस्कृत में शब्दों का प्रयोग हुआ है, और सशक्त भावाभिव्यक्ति की गई है। अगले यदि हम देखें तो देखिए अलंकार के रूप में यदि आप लिखें तो अलंकार इसमें यानी अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अनुप्रास अलंकार? एक वहां होता है जिसको अंत्यानुप्रास कहते हैं हम, जहां पे अंतिम तुक मिलती है, जाते पाते पहचाना है ना, माना पहचाना है ना, तो यहां कौन सा अलंकार हो जाता है? अंत्यानुप्रास हो जाता है। अगला है लिखा है, अगले पद की हम व्याख्या करें कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती है रण में, छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते, अर्थात हे सखी उन्होंने मुझे पूर्ण रूप से पहचाना नहीं, भारतीय नारी को उन्होंने पूर्ण रूप से नहीं पहचाना, क्योंकि हम वो भारतीय आदर्श नारियां हैं जो स्वयं अपने पति को सुसज्जित करके प्राणों की बाजी लगाने के लिए, तिलक लगाकर युद्ध में प्राणों की बाजी लगाने के लिए भेज देती हैं, अर्थात अपने छात्र क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए, अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए हम अपने पति को युद्ध में तिलक लगाकर प्राणों की बाजी लगाने के लिए भेज देते हैं, तो उन्होंने मुझे पूरा नहीं पहचाना, अर्थात मैं इतना त्याग तो कर ही सकती थी परंतु उन्होंने मुझे नहीं पहचाना, सखी वे मुझसे कहकर जाते। अगले में लिखा है कि हुआ न ये भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। देखिए कितनी अच्छी बात कही है, हुआ न ये भी भाग्य अभागा, अर्थात अब जो वो प्रवासी बन गए हैं और मैं अब किस पर गर्व करूं, वान ये भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, अर्थात अब मैं किस पर अपना गर्व करूं, वो प्रवासी हो गए हैं और उनके किस व्यवहार पर उनकी सहधर्मिणी होने का गर्व करूं, जिसने अपनाया था त्यागा, अर्थात जिन्होंने मुझे अपनाया था, अर्थात जिन्होंने मुझे सहधर्मिणी के रूप में अपनाया था, वह स्वयं ही चुपचाप छोड़ करके चले गए, अब तो उनकी यादें ही शेष रह गई है, अर्थात वो चले गए हैं, केवल उनसे संबंधित जो मधुर स्मृतियां हैं, मधुर यादें हैं, वही शेष रह गई है जो बार बार आ रही है और हमसे, और वो सखी वे मुझसे कहकर जाते, यानी वेदना पूर्वक ये जो यशोधरा कहती है कि हे सखी काश वे मुझसे बताते। अगला लिखा है कि नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहे थे सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, यदि हम ऊपर वाले में देखें थोड़ा सा, इसमें यदि हम देखें कि क्या क्या आपके अलंकार है, तो अलंकार आप इसमें जैसे मान लो एक तो विशेष यदि आप लिखेंगे तो आप इसमें लिखेंगे आदर्श भारतीय, आदर्श भारतीय नारी की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। इसके अलावा इसमें अनुप्रास अलंकार है, कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है, और तत्सम प्रधान यानी संस्कृत निश्चय शब्दावली का प्रयोग हुआ है। अगले पद में यशोधरा कह रही है कि नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहे थे, यशोधरा वेदना पूर्वक ये कहती है सखी मेरे नेत्र भले ही उन्हें निष्ठुर कहते हैं, अर्थात निर्दयी कहते हैं, परंतु इनसे जो आंसू बह रहे हैं वो उनके लिए सहृदयता व्यक्त कर रहे हैं,
अर्थात उन्हें वे दयायुक्त हृदय वाले कह रहे हैं। सदैव हृदय वे कैसे सहते गए तरस ही खाते, अर्थात यदि कहने का अर्थ है कि यहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि मैं जब वो यहां से निकलते और मेरे जो आंसू निकलते आंखों से, तो उन आंसुओं को वो कैसे सहन कर सकते थे, क्योंकि वो सहृदय व्यक्ति थे, तो फिर वो आंसू कैसे सहन कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने गए तरस ही खाते, अर्थात मुझ पर दया दिखाते हुए ही उन्होंने मुझे सोते हुए छोड़ करके गए हैं, लेकिन चुपचाप इसलिए गए हैं कि मुझ पर दया की है उन्होंने। हे सखी, यदि मुझे कहकर जाते तो कितना अच्छा होता। अगले में लिखा है कि जाय सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालम तू मैं किस मुख से, आज अधिक वे बातें सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा आगे कहती है कि हे सखी, मेरी इच्छा यह है कि वे जाएं और दिव्य ज्ञान को प्राप्त करें। जाए यानी वे पावे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, अर्थात इस जन के दुख से, अर्थात मेरी तरफ से उन्हें किसी प्रकार का कोई दुख न हो। मैं यानी यशोधरा कहती है कि स्वामी सिद्धि प्राप्त करने के लिए घर से चुपचाप गए हैं, कुछ काल बाद लौट भी आएंगे, लेकिन इसके बाद वो आगे क्या कहती है, उपालम दू मैं किस मुख से, अर्थात मैं उल्हाना किस मुख से दू, क्योंकि उन्होंने पूछा तक नहीं तो मैं फिर उल्हाना किसे दू। आज अधिक वे भाते, आज वे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, अगर वे मुझे पूछ कर जाते तो आज दूर प्रवासी रह करके भी मुझे बहुत अच्छे लगते। उपालम दू मैं किस मुख से, अर्थात उन्होंने जब मुझे पूछा ही नहीं तो मैं किसे उलाना दू। आज यदि वे मुझे पूछ कर जाते तो प्रवासी होकर के भी मुझे बहुत अधिक अच्छे लगते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। आगे लिखा है कि गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुभव लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। गए लौट भी यानी कहते हैं कि वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हेतु गए हैं, तो फिर वे लौट कर भी आएंगे, अपने साथ कुछ दिव्य ज्ञान लेकर आएंगे, अनुपम ज्ञान लेकर के आएंगे, कैवल्य लेकर के आएंगे। कैवल्य यानी जैसे एक जो जैन जो तीर्थकर होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे मान लो जब उन्हें पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसे कैवल्य कहा जाता है। वो कैवल्य ज्ञान लेकर के आएंगे, अनुपम संदेश भी लाएंगे, परंतु अब तो मेरे प्राण उन्हें रोते रोते ही प्राप्त करेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, अर्थात मैं उन्हें हंसकर के प्राप्त नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं उन्हें रोते रोते ही उनका स्वागत करूंगी, पर क्या गाते गाते, परंतु उन्होंने मुझे योग्य नहीं समझा, इसलिए मैं पूरे उत्साह और उमंग के साथ उनका अभिनंदन नहीं कर पाऊंगी। उन्होंने मुझे पूर्णतः योग्य, अर्थात उन्होंने मुझे इस योग्य नहीं समझा कि मैं उनका साहस या उनके जो दिव्य ज्ञान या उनके ज्ञान प्राप्ति में सहायक बन सकूं, इस योग्य नहीं समझा, तो मैं फिर क्या है कि उनका पूर्णतः उस साहस के साथ जो है अभिनंदन नहीं कर पाऊंगी। इसलिए है सखी, यदि प्रियतम मुझसे कहकर जाते तो कितना अच्छा होता। तो एक इसमें यदि विशेष आप लिखना चाहें तो विशेष इसमें लिख सकते हैं कि परित्यक्त नारी की व्यवस्था एवं पुरुष की स्वार्थपरता का वर्णन इसमें किया गया है। भारतीय आदर्श नारी की विशेषताओं को उकेरा गया है। इसी के साथ साथ यानी यूं कह सकते हैं कि यशोधरा की वेदना व्यक्त की गई है, और इसके अलावा संस्कृत ने शब्दावली का प्रयोग करते हुए अनुप्रास अलंकार का इनमें प्रयोग हुआ है। तो मैं समझता हूं कि ये व्याख्या आपके पसंद आई है, समझे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके जो पाठ हैं, पाठ के प्रश्न हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो भी पढ़ेंगे, ताकि हो सके आपकी मदद हो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।